हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GDS BPM में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, कितने दिन का आपके पास समय है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो सिलेक्शन के बाद इस प्रोसेस में दो स्टेप होंगे। पहला स्टेप है प्री एंगेजमेंट यानी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि EA मतलब एंगेजिंग अथॉरिटी और VA मतलब वेरीफाइंग अथॉरिटी होगी। दूसरा प्रोसेस है ज्वाइनिंग प्रोसेस, जिसमें कि आपको एंगेजिंग अथॉरिटी जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होनी है वहां जाके आपको सेकंड स्टेप कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा GDS BPM के केस में जो एंगेजमेंट अथॉरिटी है वो डिविजनल हेड होगा, वहीं GDS ABPM और डाक सेवक के केस में जो एंगेजिंग अथॉरिटी है वो आपके सब डिविजनल हेड होंगे। तो पहले बात करते हैं हम उस सिनेरियो की जब आपका एंगेजिंग अथॉरिटी और वेरीफाइंग अथॉरिटी दोनों ही अलग अलग होंगे। ये इस केस में हो सकता है जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम में आपने वेरीफाइंग अथॉरिटी अपने पास के डिविजनल हेड को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब आपकी सिलेक्शन जो हुई है वो दूर के डिविजन हेड के पास हुई है। जो फॉर्म भरा गया था उसके अंदर आपने वेरीफाइंग अथॉरिटी जो है वो सिलेक्ट की थी और उसी के बेसिस पर ही आपको वहां पर जाकर वेरीफिकेशन करानी है। इसके लिए आपको टोटल 15 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो जानी चाहिए। तो ये फ्रॉम सिलेक्शन इंक्लूडिंग हॉलीडेज इसमें इंक्लूड है। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 दिन की एक्टिविटी का टाइम आपको मिलता है, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट कोई कम भी है तब भी आप जाकर एक बार अपनी वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे और उसके पास अपनी अटेंडेंस लगवाओगे ताकि आपकी ज्वाइनिंग का जो पहला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। ध्यान रहे 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा नॉन टर्न अप का स्टेटस जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चाहिए, दो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी उनके साथ में चाहिए। तो सबसे पहले है मार्कशीट, उसके बाद है आईडी प्रूफ। ज़रूरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड ही हो, कोई और आईडी प्रूफ भी हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट, PW सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास एप्लीकेबल हैं, अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो या फिर आप OBC कैटेगरी से हो या EWS कैटेगरी से हो, तो इस प्रोसेस में आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपको अगर आपने अरुणाचल प्रदेश के लिए सिलेक्शन हुआ है तो नॉलेज ऑफ लोकल डायलेक्ट उसका भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए VA अथॉरिटी के पास जाओगे तो सबसे पहले उनके पास एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्टर होता है, उसमें आपकी एंट्री की जाएगी। साथ ही साथ अगर सिनेरियो ये होता है कि आपका बिल्कुल सारा रिकॉर्ड ठीक है, सारे सर्टिफिकेट ठीक हैं और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाएगी, स्कैनिंग की जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, अपलोड किए जाएंगे वो, उसके बाद उनका प्रिंटआउट लेके आपके साइन करे जाएंगे और साथ ही साथ ध्यान रहे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वापस किए जाएंगे, वो आपको वापस मिल जाएंगे सेम डे विद रिसिप्ट। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेकंड प्रोसेस के लिए चाहिए होंगे। जैसा कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको एक साइंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर दिया जाएगा जिसमें क्लियरली रिमार्क्स लिखे होंगे कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो गई है और आपको वो एक्सेप्ट कर ली गई है। साथ ही साथ अगर इसके अलावा उसमें कोई और रिजेक्शन रीज़न होगा तो वो भी आपको साथ ही साथ उसमें लिखा होगा। अब हम देख लेते हैं सेकंड सिनेरियो, जिस सिनेरियो में आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैच हो गई है और या फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है या आपके पास वो सर्टिफिकेट ही नहीं है, तब उस सिनेरियो में क्या होगा तो आप वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये सभी मिसमैचेस जितने भी रिलैक्सेशन है वो इसलिए दी जा रही है कि इससे मैरिट इफेक्ट नहीं हो रही है। अगर इससे आपके मिसमैच से आपके नंबर गलत हैं, मैरिट मिसमैच होती है, तो आपका कैंडिडेचर जो होगा वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपने एनेक्शर 2 भर के सबमिट कर देना है और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। दूसरा प्रोसेस हो सकता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो उस सर्टिफिकेट के लिए आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो कि जो आपका प्रोविजनल ऑफर है, ऑफर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट बिफोर एंगेजिंग अथॉरिटी, उसके लिए आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि 15 दिन में आप वो सर्टिफिकेट बनवा लें ताकि आप वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब EA के पास आप जाओगे, एंगेजिंग अथॉरिटी के पास आप जाओगे, तो वहाँ आप वो सबमिट करा सको। तो उसके बाद तीसरा हो सकता है कि कैंडिडेट का नाम मिसमैच हो जाए, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट का नाम, फादर या मदर नेम, इस तरह की माइनर एरर हो सकती हैं जो हो सकती हैं, आपने डॉक्यूमेंट जब आपने कंप्लीट करे थे फॉर्म भरा था उस टाइम वो हो गई हो, तो इस बेसिस पे अगर आपका होता है तो आपको एनेक्शर 4 जो है वो सबमिट कराना है। तो इस तरह करके अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो एनेक्शर 2
अगर डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो एनेक्शर 3, और अगर आपके पास माइनर मिस्टेक्स है तो एनेक्शर 4। तो यह ध्यान रहे कि मेरिट को इफेक्ट नहीं करेगा इनमें से कोई भी प्रोसेस। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मेरिट को इफेक्ट करता है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अथॉरिटी है उसको ही कंप्लीट करना होता है। वो आपका जो कैंडिडेचर है उसमें जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रिमार्क देते हैं कि इनके जो मिसमैच हुआ है, टैली हुई है सारी चीज़ें, या नॉट टैलिड हैं, या फिर प्रोविजनली एंगेजमेंट है, तो इस तरह की चीज़ें वो अपडेट करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर दिया जाएगा जिसमें प्रॉपर रिमार्क्स लिखे होंगे, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड विद रिमार्क्स। मतलब उसमें प्रॉपर आपको लिखा होगा कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। उसके बाद जो पीई ऑफर आपके पास मिलेगा वो मिलेगा आपको एसएमएस के थ्रू। आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपकी जो ईमेल आईडी होगी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, उसके ऊपर आपको एक लेटर रिसीव होगा जिसको हम बोलेंगे पीई ऑफर, मतलब प्रोविजनली एंगेजमेंट ऑफर। तो ये आपको डाउनलोड करना है, और ये डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है अपनी एंगेजिंग अथॉरिटी के पास। वहाँ जो सेकेंड स्टेप आपका स्टार्ट होगा जो कि है ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए मैं आपको बता दूँ, एक बार आप वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास चले गए उसके बाद आपको दोबारा वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास नहीं जाना, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर मिल गया है तो, जो कि साइंड होना चाहिए और डाउनलोडेड करने के बाद ही आपको वो दिया जाएगा। जैसे ही आपको पीई ऑफर रिसीव होता है उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ ज्वाइनिंग प्रोसेस। इसके लिए भी आपको जिस एंगेजिंग अथॉरिटी के पास आपको जाना है वहाँ आप डिवीजन में जाओगे और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। तो एक तरह से मैं स्टेप वाइज आपको बता दूँ, सबसे पहले आपका जो स्टेटस है वो सिस्टम के अंदर टर्न अप कैंडिडेट पर किया जाएगा, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, फिर वेरिफिकेशन जो वेबसाइट और डिजी लॉकर के हिसाब से होगी, फिर आपकी 3 डेज बेसिक ट्रेनिंग होगी जो प्री एंगेजमेंट ट्रेनिंग भी बोला जा रहा है जिसको, उसके बाद आपको ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट यानी पीई ऑर्डर जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर हम एंगेजिंग अथॉरिटी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आप जेरोक्स कॉपी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की वो सबमिट कराओगे, 2 सेट यहाँ भी आपको सबमिट कराने हैं जैसा कि आपने सबमिट कराए थे वीए के पास। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ चाहिएंगे, तो वही एक तरह से यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्टर जो है वो बनाया गया है। ओरिजिनल्स आपको यहाँ भी रिटर्न किए जाएंगे, ये जो है वो क्रॉस चेक करेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कि क्या वो बिल्कुल सही है या नहीं, कोई मिसमैच तो नहीं है। फॉर एग्जांपल वीए ने जो करा था, मान लो उसमें कोई डॉक्यूमेंट रह गया जो मिसमैच था और नहीं चेक हो पाया, तो वो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ भी होगी कंप्लीट। अगर वेरिफिकेशन सही हो जाती है और वेबसाइट पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही पाए जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर एकदम से एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है या फेक मिलते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ आपके खिलाफ एक कानूनी प्रक्रिया भी की जाएगी। अगर ऑनलाइन नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम जो मार्कशीट है वो ऑनलाइन डिजी लॉकर पे नहीं शो हो रही, तो उसकी वेरिफिकेशन सर्कल ऑफिस के थ्रू की जाएगी। वो एंगेजिंग अथॉरिटी की ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी नहीं है, आपने सिर्फ रिपोर्ट करना होता है उस एंगेजिंग अथॉरिटी के पास जो आप कर चुके हो। 3 डेज बेसिक ट्रेनिंग में आपको IT डिवाइसेस की ट्रेनिंग दी जाएगी, मेल डिलीवरी का वर्क, SBSC का वर्क आपको सिखाया जाएगा। एक तरह से प्री एंगेजमेंट ट्रेनिंग है, जैसे ये ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको प्री ऑर्डर यानी प्री एंगेजमेंट प्रोविजनल एंगेजमेंट ऑर्डर जो है वो आपको सिस्टम जनरेटेड एक ऑर्डर जो है वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इस तरह करके आपकी ज्वाइनिंग की डिटेल है वो भी अपलोड की जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ से 30 डेज स्टार्ट होते हैं, आपको बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। इस 30 डेज पीरियड को ही पोस्ट एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के रूप में बताया गया है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि किन कारणों से कैंडिडेचर जो है वो नेक्स्ट को दिया जा सकता है। कैंडिडेट रिज़ाइन कर दे, विलिंग नहीं है ज्वाइन करने के लिए, कैंडिडेट एक्सपायर हो जाए, अपलोड डॉक्यूमेंट्स टैलिड ना हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनजेन्युइन है, इनकरेक्ट फोटो और सिग्नेचर है, इस तरह की चीज़ें जो होंगी तभी नेक्स्ट जो कैंडिडेट का जो है वो प्रोसेस उसमें लिया जाएगा। तो पोस्ट एंगेजमेंट एक्टिविटी यही है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। एंटीसीडेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, ये एक तरह से पोस्ट एंगेजमेंट एक्टिविटी है जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रोसेस जो है ईए को ही करना होता है, ये उनके ऊपर है कि वो कैसे इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कराएंगे। तो 3 डेज की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, बेसिक ट्रेनिंग बिफोर प्रोविजनल एंगेजमेंट इन एडिशन टू 15 डेज ट्रेनिंग। 15 डेज ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी, लेकिन उससे पहले 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही आपको पीई ऑर्डर जो है वो मिलेंगे। जैसे ही आपको पीई ऑर्डर मिल जाएंगे उसके बाद आपकी पोस्ट एंगेजमेंट एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी,
जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कास्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन जो है करवाई जाएगी, जिसके लिए आपको जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको आरई ऑर्डर मिलेगा, यानी रेगुलराइजेशन ऑफ एंगेजमेंट या ऑर्डर ऑफ रेगुलराइज एंगेजमेंट, ये आपको आरई ऑर्डर मिलेगा। ये पोस्ट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप एक तरह से पूरे रेगुलराइज कर दिए गए हो। ये ऑर्डर तब इशू होंगे जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो चुकी होगी और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं उनकी भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, तब आपको ये ऑर्डर इशू करे जाएंगे। अब हम एक सेकंड सिनेरियो देख लेते हैं जिसमें कि वेरीफाइंग अथॉरिटी और एंगेजिंग अथॉरिटी एक ही हो, या फिर एंगेजिंग अथॉरिटी जो है वो सुपीरियर हो वेरीफाइंग अथॉरिटी के। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी भी एंगेजिंग अथॉरिटी जो कि डिविजनल हेड है उसको वेरीफाइंग अथॉरिटी सिलेक्ट किया है, और जो आपकी सिलेक्शन है अगर वो सब डिवीज़न हेड के हिसाब से GDS सेवक या GDS ABPM के लिए हुई है, तो उस केस में भी जो आपका डिविजनल हेड है वो आपकी वेरीफाइंग अथॉरिटी और एंगेजिंग अथॉरिटी हो सकता है। एंगेजिंग अथॉरिटी वो अपना प्रोसेस करने के बाद आपको सब डिविजनल हेड के हिसाब से भेजा जा सकता है। तो इस चीज़ में क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, आपको सेम जैसे ही आपके पास SMS रिसीव होता है आपको वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास जाना है, डिविजनल हेड के पास आपको अपनी सारी प्रोसेस स्टेप जो है वो कंप्लीट कराने हैं जो मैंने पहले भी आपको बताए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो PE ऑफ़र है, प्रोविजनल एंगेजमेंट ऑफ़र है, उसके लिए आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं वो PE ऑफ़र ऑटोमेटिकली ही आपकी ईमेल ID पर उसी टाइम ही डिस्पैच हो जाएगा, जिससे कि आप अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस और पोस्ट एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ जो है और भी जल्दी कंप्लीट करा पाओगे। अगर आपका EA और VA एक ही अथॉरिटी है, या फिर जो EA है वो VA का सुपरवाइज़र है, तो इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ जैसे ही आप उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस और पोस्ट एंगेजमेंट प्रोसेस सेम ही रहेगा, इस केस में आपकी पूरी एक्टिविटीज़ 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाएगा। तो जो यहाँ पर वेरिफिकेशन है और एंगेजिंग अथॉरिटी की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो डिविजनल हेड खुद कर सकता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस भी सेम ही रहेगा, जो प्रोसेस वहाँ था वही प्रोसेस यहाँ रहेगा, इसमें आपको टाइम कम लगेगा और पोस्ट एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो सब डिविजनल हेड के थ्रू प्रोसेस हो जाएंगी अगर आपकी जो सिलेक्शन है वो सब डिविजनल हेड के अंडर हुई है। तो ये सारा प्रोसेस जो है आपको बताया गया है, साथ ही साथ कुछ एनेक्चर्स हैं जो हमने आपके साथ वीडियो में भी शेयर करे हैं और लास्ट में भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको समझने में, उसको कंप्लीट कराने में। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हमें पूछ सकते हो। ये फॉर्मेट है DA रजिस्टर का, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्टर बनाया जाएगा उसका। इसमें आप देख भी सकते हो कि आपके सिग्नेचर भी इस रजिस्टर पर लिए जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज़ जो है वो वेरीफाइंग अथॉरिटी को कंप्लीट करानी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अंडरटेकिंग है अगर आपको देनी है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है, और एनेक्शन 2 हम इसको बोल रहे हैं, ये एंगेजमेंट के लिए आपको सबमिट करना पड़ेगा कि हम जब दोबारा एंगेजिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे तो आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकेंगे। तो इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये आपका डॉक्यूमेंट होगा। इसके साथ साथ ही अगर आपका कास्ट फॉर्मेट का जो सर्टिफिकेट है वो सही फॉर्मेट में ना हो तो आपको ये जो एनेक्शन 3 है ये वाला आपको सबमिट करना है, एनेक्शन 4 आपको सबमिट करना है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन और जो आपने फॉर्म भरा था उसकी मिसमैच हो जाती है किसी भी कैटेगरी में अगर, लेकिन वो मेरिट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, अगर वो मेरिट को इफेक्ट कर रहा होगा तब आपको ये अलाउड नहीं करा जाएगा और आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो बाकी एनेक्शर्स है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये एनेक्शर 5 है जो कि आप एंगेजिंग अथॉरिटी को सबमिट करोगे जब आप एंगेजिंग अथॉरिटी के पास चले जाओगे आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन VA, तो ये वाला आपको फॉर्मेट देना है, उनको वहाँ सबमिट करना है। इसकी PDF भी आप सभी के पास अवेलेबल होगी, अगर नहीं होगी तो आप उसका भी हमें बता सकते हैं, आपको हम शेयर कर सकते हैं Instagram के थ्रू या अदरवाइज़। ये जो है DVR जो है ये एंगेजिंग अथॉरिटी के पास मेंटेन किया जाएगा और आपके सिग्नेचर यहाँ लिए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।